हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके लिए है अगर आपको पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं। तो अगर आपको काफ़ी समय से पिंपल्स और वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं तो आप अभी तक ये तो समझ चुके होंगे कि एक क्रीम ऐसी नहीं है जो इन सब चीज़ों पे काम करे, और अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग क्रीम्स या फेस वॉशेज या जेल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब क्या प्रॉब्लम के लिए क्या चीज़ काम करेगी, क्या आपको सही मॉलिक्यूल रहेगा अपने चेहरे पे लगाने के लिए, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सैलिसिलिक एसिड के बारे में। तो सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका, इसकी खास बात ये है कि ये हमारी स्किन से ऑयलीनेस को हटाता है, ये लाइपोफिलिक होता है। तो सैलिसिलिक एसिड अगर आप इस्तेमाल करेंगे अपने चेहरे पे तो ये आपके जो पोर्स हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, पोर्स की लाइनिंग में ये अक्यूमुलेट होता है, उसमें ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, पोर्स को अनक्लॉग करेगा और आपके पोर से सारी ऑयलीनेस को हटाएगा। और इस वजह से सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा है अगर आपको पिंपल की जगह ब्लैक हेड या वाइट हेड हैं, तो ब्लैक हेड वाइट हेड में ये बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन पिंपल अगर आपको हैं, अगर आपको पस वाले दाने हैं, तो सैलिसिलिक एसिड आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी इस वीडियो में। वाइट हेड और ब्लैक हेड अगर आपको हैं तो सैलिसिलिक एसिड अच्छा काम करेगा, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस फॉर्म में इस्तेमाल करना है, देखिए सैलिसिलिक एसिड के जेल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जेल्स मुझे बहुत पसंद नहीं आते क्योंकि मैंने देखा है कि सैलिसिलिक एसिड के जेल्स से इरिटेशन, रेडनेस हो सकती है। तो ओवरनाइट एप्लीकेशन के लिए मैं सैलिसिलिक एसिड नहीं सजेस्ट करूंगी, और सैलिसिलिक एसिड मैं सजेस्ट करूंगी फेस वॉशेस के फॉर्म में। तो फेस वॉशेस के फॉर्म में ये 1% या 2% सैलिसिलिक एसिड के फॉर्म में आता है। ये फेस वॉश की तरह इस्तेमाल करने से आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल भी हटेगा, और ये फेस वॉश की तरह इस्तेमाल करने से आपके पोर्स अनक्लॉग होंगे। अगर आपको वाइट हेड्स हैं तो धीरे धीरे वो कम होंगे, नए वाइट हेड्स बनने बंद होंगे, ब्लैक हेड्स बनने बंद होंगे। तो सैलिसिलिक एसिड इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सैलिसिलिक एसिड इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड के एक्ने पैचेस आते हैं। एक्ने पैचेस क्या होते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो इसका मतलब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं। तो जल्दी से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पर मैं ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो एक्ने पैचेस क्या होते हैं ये आप इंस्टाग्राम पे मेरे हैंडल पे देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। तो एक्ने पैचेस ये जो स्टिकर्स की तरह आते हैं, इनमें सैलिसिलिक एसिड होता है। तो ऑफकोर्स हम लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें अंडरलाइंग जो भी कॉज है वो हमें ट्रीट करना पड़ेगा। पर अगर आपको कुछ वाइट हेड्स हैं जो आपको तुरंत निकालने हैं एक दो दिन में क्योंकि आपका कोई पार्टी फंक्शन है, तो ऐसे में आप सैलिसिलिक एसिड के एक्ने पैचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड पील पैड्स में आता है, तो ये पैड्स होते हैं कॉटन के जिसमें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, अलग अलग तरह के फेस पील पैड्स आते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके आप दिन में एक बार या डिपेंडिंग ऑन द ऑयलीनेस ऑफ योर स्किन, आप उसे हफ्ते में 3 बार ये पील पैड से आप अपना चेहरा वाइप करेंगे, तो जो भी सैलिसिलिक एसिड के बेनिफिट्स हैं वो आपको सारे मिलेंगे। स्किन की ऑयलीनेस कम होगी और पोर्स अनक्लॉग होंगे, आपको स्किन अपनी क्लीन लगेगी। तो आप पील पैड्स के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पील पैड्स के बारे में भी मैंने इंस्टाग्राम रील बनाई है, तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और इसके अलावा सैलिसिलिक एसिड की केमिकल पील्स आती हैं, तो पील्स मैं पहले भी मैंने कई बार बताया है अपनी ऑर्डिनरी की वीडियो में, मिनिमलिस्ट की वीडियो में भी बताया है कि मैं केमिकल पील्स घर में करना सजेस्ट नहीं करती। ये वो चीज़ें हैं जो आपको डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में ही करवानी चाहिए। तो उसमें वो पील आपके चेहरे पर लगा के और जल्दी से उसे वाइप कर देते हैं, तो उससे वो कॉन्सेंट्रेटेड सैलिसिलिक एसिड के आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। आपके पोर्स अनक्लॉग होते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड कम होते हैं। और एक और बहुत अच्छा एडवांटेज सैलिसिलिक एसिड का वो ये कि ये आपकी स्किन की, आपके पिंपल्स की पिगमेंटेशन को भी कम करेगा। तो इस तरीके से आप सैलिसिलिक एसिड को अपने स्किन के रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैं फेस वॉशेज के फॉर्म में और पील पैड्स के फॉर्म में और एक्ने पैचेस के फॉर्म में और डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में जो केमिकल पील्स होती हैं उसके फॉर्म में सैलिसिलिक एसिड मॉलिक्यूल को रेकमेंड करती हूँ। तो अब अगर आपको पस वाले दाने हैं, पस्टूल्स हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे व्हाइट हेड, ब्लैक हेड तो है नहीं, तो मेरे लिए क्या है? तो आपके लिए है बेंजोइल परोक्साइड। बेंजोइल परोक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल अलग है सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड का मैंने बताया कि ये ऑयलीनेस को कम करेगा, पोर्स को अनब्लॉक करेगा, व्हाइट हेड को हटाएगा, लेकिन बेंजोइल परोक्साइड क्या करता है? बेंजोइल परोक्साइड एंटी बैक्टीरियल है।
तो बेंजोइल परोक्साइड एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से ये बैक्टीरिया के प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करके बैक्टीरिया को मार देता है। तो वो आपके जो पस वाले दाने बन रहे हैं, जो आपको मोटे मोटे पिंपल हो रहे हैं, जो चेहरे पे इतनी इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, उस पर बेंजोइल परोक्साइड काम करेगा। तो आपके लिए, अगर आपको इस तरह के पिंपल हैं, तो आपके लिए है बेंजोइल परोक्साइड के फेस वॉशेज और जेल्स। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बेंजोइल परोक्साइड के जेल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, 2.5%, 5% और इससे भी ज़्यादा। लेकिन चेहरे पे लगाने के लिए, क्योंकि बेंजोइल परोक्साइड इरिटेटिंग होता है, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, ड्राइनेस कर सकता है, बेंजोइल परोक्साइड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लगाने से आपको चेहरे पे इचिंग हो सकती है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि बेंजोइल परोक्साइड आप सिर्फ 2.5% ही चेहरे पे लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। और सिर्फ स्पॉट एप्लीकेशन, माने जहाँ जहाँ पर आपको कोई मोटा पिंपल है, वहाँ आप इसको लगा के 2-3 घंटे में आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं और हमें बेंजोइल परोक्साइड की या किसी भी और मॉलिक्यूल की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो साथ में आपको एंटीबायोटिक्स खाने पड़ेंगे, आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा ताकि आपका प्रॉपर स्किन केयर रूटीन बन सके और बहुत सारी और चीज़ें, डूज एंड डोंट्स आपको पिंपल की बताई जा सके, जो कि आप अपने डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में गलत कर रहे होंगे, जिससे कि आपके पिंपल्स बार बार नए नए निकलते जा रहे हैं। अब इसके अलावा बेंजोइल परोक्साइड, जो मेरा फेवरेट फॉर्मुलेशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। बेंजोइल परोक्साइड फेस वॉश और बॉडी वॉश के फॉर्म में आता है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो अगर बॉडी पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, तो आप बेंजोइल परोक्साइड का बॉडी वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पर भी पस वाले दाने हैं, तो आप बेंजोइल परोक्साइड का फेस वॉश इस्तेमाल करिए, उसका बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल एक्शन है और आपको डेफिनेटली अपने चेहरे पे फायदा दिखेगा। इसके अलावा बेंजोइल परोक्साइड के भी एक्ने पैचेस अवेलेबल हैं, तो स्पॉट एप्लीकेशन के लिए आप मोस्टिकॉन पैचेस लगा सकते हैं। अब बेंजोइल परोक्साइड ये तो हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बेंजोइल परोक्साइड के बारे में, जो अगर मेल्स में पोस्ट शेविंग फॉलिकुलाइटिस, जो शेव करने के बाद आपको दाने बनते हैं, उसके लिए आप बेंजोइल परोक्साइड का फेस वॉश इस्तेमाल करके देखिए। और फीमेल्स में जो वैक्सिंग के बाद दाने बनते हैं, जो वैक्सिंग के बाद फॉलिकुलाइटिस होती है, उसमें आप बेंजोइल परोक्साइड का बॉडी वॉश इस्तेमाल करके देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा दिखेगा। अब ये सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइल परोक्साइड की बात तो हमने कर ली। तीसरी एक और बहुत ही अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पिंपल्स के लिए, वो है ट्रेटिनोइन। तो ट्रेटिनोइन एक बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल है, ये एक रेटिनॉइड है। इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ट्रेटिनोइन के सारे फ़ायदे, क्या फॉर्मुलेशन ट्रेटिनोइन की अच्छी रहेगी, किस ब्रांड का ट्रेटिनोइन अच्छा रहेगा और किस परसेंट में आपको खरीदना है, लगाना है, किस तरीके से इसको सही तरीके से ट्रेटिनोइन जेल को लगाना है, और ये अलग अलग परसेंटेज के, अलग अलग ब्रांड्स के बहुत सारे ट्रेटिनोइन जेल्स, माइक्रोस्फीयर जेल्स, ये सब अवेलेबल हैं। तो वो सब मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। तो ट्रेटिनोइन एक तीसरी फॉर्मुलेशन है पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स के लिए, और वो किस तरह से आपको फ़ायदा कर सकती है, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है दादू मेडिकल सेंटर, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हैं ऐसे बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। मेरा Instagram हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पे। मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।